पूनम शर्मा, प्रिंसिपल अमेरिकन स्कॉलर्स एकेडमी लिस्ट। मैं जितनी भी यहाँ प्रदर्शनियाँ होती हैं उसमें पुस्तक प्रदर्शनियों में ज़रूर एक बार शिरकत करना चाहती हूँ, क्योंकि बुक्स जो हैं वो हर बच्चे हर इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल अहम रोल प्ले करती हैं। मैंने एक बार पढ़ा भी था कि अगर हम दूरदर्शन पे एक शब्द महल देखते हैं, महल देखते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही महल का जो इमेज बनती है, लेकिन अगर हम पुस्तक में महल पढ़ते हैं तो बच्चे की अपनी कल्पना शक्ति को विकास मिलता है, पंख मिलते हैं, क्योंकि फिर वो महल का निर्माण अपनी अभिरुचि और इच्छा के अनुसार भी करना चाहता है। तो जो बाकी विजुअल एड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसकी इमेजिनेशन पावर को और एक्सप्रेशन पावर को ब्लॉक करते हैं, लेकिन बुक्स से क्या होता है कि नॉर्मली जो है बुक्स बच्चे की क्षमता को बल देती हैं, विकास के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और अच्छी भाषा सीखने को मिलती है बुक्स के थ्रू बच्चों को। इसीलिए मैं जब भी किसी बर्थडे में जाती हूँ तो मैं बुक्स ही परचेज करके रखती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ, ताकि बच्चों में बुक रीडिंग की हैबिट बढ़े। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा छोटा सा स्कूल है लेकिन हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी है, और हम प्री नर्सरी के बच्चों को भी लाइब्रेरी में जाने की एक पीरियड है हमारा, हम उसमें बच्चों को ज़रूर कोशिश करते हैं कि एक बार वीक में बच्चा लाइब्रेरी में जाए, बुक्स को एटलीस्ट वो पढ़ नहीं सकता लेकिन वो जब पेजेस पलटता है तो इमेजेस से वो बहुत कुछ सीखता है, और फिर उसकी रीडिंग हैबिट जो है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उसको हम एक मार्ग दिखा रहे हैं। मैडम जी, मैं ये और आपसे जो है मतलब जानना चाहूँगा कि नर्सरी स्कूल में लाइब्रेरी है सच में बहुत जी आप, मैं चाहूँगी कि आप स्कूल आएँ और विजिट करें और देखेंगे कि मतलब हम हिंदी इंग्लिश, जैसे आज भी मैंने पंचतंत्र की कहानियाँ बुक ली है, तेनाली रामा बुक ली है, और वर्ल्ड फेमस विमेन, क्योंकि नारी ऑब्वियसली बात है कि मैं नारी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं नारियों के बारे में ज़्यादा जानना चाहूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा भी उनको देख के, उनकी कहानियाँ, उनकी जो जीवन गाथाएं हैं उनको पढ़ के मुझे भी कुछ प्रेरणा मिले, मुझे भी मार्गदर्शन हो। और जैसे उन्होंने एक माइलस्टोन ऑल लेडीज़ के लिए तैयार किया है, मुझे देख के शायद कुछ और महिलाएं भी इस तरफ प्रेरित होंगी और वो भी कुछ मेरे से लाइन ऑफ एक्शन ले लेंगी, या एक उन्हें भी ये लगेगा कि हाँ अगर मैम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पूनम जी, एक चीज़ और है, आप निकल कर आइए कि आपका आपका जैसे किताबों के प्रति इतना रुझान है, क्या आपने भी कोई पुस्तक वगैरह लिखी है? मैंने पुस्तक नहीं लिखी लेकिन मैं कविताएं लिखती हूँ। अच्छा। और मैं क्योंकि पेंटिंग भी मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो है ही, मैंने पास तीनों लिटरेचर, मैंने MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA संस्कृत किया है, तो मैं चाहती हूँ कि लिटरेचर जो है वो किसी भी इंसान को परिष्कृत बनाने में, एक मानव को, महामानव तो मैं नहीं कह सकती अपने आप को, लेकिन महामानव बनाने की ओर एक मार्ग दर्शित करता है, और उसके लिए लिटरेचर से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए रीडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, और इसीलिए मैं अभी मैं डायरेक्ट स्कूल से ही आ रही हूँ। अच्छा, जी। अच्छा, ओके। तो मुझे लगा कि आज मैं, क्योंकि वैसे तो प्रदर्शनी 3 दिन से चल रही है, लेकिन मैं क्योंकि स्कूल से ही लेट फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा आई शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको इस साहित्य सम्मेलन में पहली बार आए हैं? जी नहीं, मैं पिछले साल भी आई थी, और जो है साहित्य सम्मेलन का ये है कि भाई इतने बड़े बड़े दुनिया के विद्वानों से मिलके आप किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब आप रूबरू होते हैं तो पर्सनालिटी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आप उनसे भी प्रभावित होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उच्च कोटि के साहित्यकारों से मिलें, उनके जीवन की जो परेशानियां या जीवन में जो उन्होंने झेला है उसके बावजूद भी उनके जीवन में जो स्थिरता है, ठहराव है, वो काबिले तारीफ है, वही हम सीखना चाहते हैं। थैंक यू पूनम जी, आपसे बात भी बड़ा अच्छा लगा, किताबों के प्रति इतना रुझान और इतना जो है एक सहज तरीके से किताबों की महत्वता और जीवन में साहित्यकारों के सानिध्य में आना और व्यक्तित्व निखार के ऊपर आपने अच्छे विचार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।